आपका मूल्य इससे तय नहीं होता कि आप क्या हैं, ये इससे तय होता है कि आप खुद को क्या बनाने की क्षमता रखते हैं। नमस्कार, सुप्रभात, गुड मॉर्निंग। आज है 25 फरवरी साल 2024, दिन है रविवार का और स्टूडियो की घड़ी में सुबह के 7 बजे हैं। तो एक बार फिर से सुबह के चाय की चुस्की के साथ आ गई हूँ मैं आपकी रेडियो दोस्त ललिता, आप सभी का फेवरेट नंबर वन मॉर्निंग शो लेकर, जिसका नाम है गुड मॉर्निंग बनारस। दोस्तों, ये जो जिंदगी है ना हम सभी की, ये खुद की ही बहुत बड़ी पाठशाला है। हम बड़े हो गए, धीरे धीरे जिंदगी भी आगे बढ़ रही है और तब हम ये सोचते हैं कि अब तो हम सब कुछ सीख चुके हैं, अब हम बड़े हो गए हैं, कुछ भी बाकी नहीं है सीखने को। पर यकीन मानिए, ऐसा कुछ भी नहीं होता। सभी अपनी अपनी हर उम्र में कुछ न कुछ सीख रहे होते हैं सभी लोग, क्योंकि हर कोई अपनी ज़िंदगी में कुछ कर गुजरना चाहता है और इस भीड़ से हटकर खुद की पहचान भी बनाना चाहता है। तभी तो कहते हैं कि प्रगति के लिए प्रयास करो, पूर्णता के लिए नहीं। शिक्षा का सही उद्देश्य है प्रगतिशील मनुष्यों का निर्माण करना। और ज़रा सोचिए, जब भी आप सुबह सोकर उठते हैं तो जब आपके पास कोई टारगेट नहीं होता है तो देखिए ना कैसे दिन कटता है, बिल्कुल जैसे कुछ काम ही नहीं है। और वही जब हमारे पास काम का कोई शेड्यूल होता है, सभी काम फटाफट जल्दी जल्दी अपने आप ही हो जाते हैं और बिजी रहने से ना हम बहुत खुश भी रहते हैं और जब थक जाते हैं तो नींद भी बहुत अच्छी आ जाती है। खुश रहने का मतलब ये नहीं है कि सब कुछ ठीक है, इसका मतलब ये है कि आपने आपके दुखों से ऊपर उठकर जीना सीख लिया है। आप सुन रहे हैं आपकी वाणी आकाशवाणी, प्रोग्राम है गुड मॉर्निंग बनारस और इस प्रोग्राम में मैं हूँ आपके साथ आपके रेडियो दोस्त ललिता। गुड मॉर्निंग, आप सुन रहे हैं आपकी वाणी आकाशवाणी और प्रोग्राम है गुड मॉर्निंग बनारस। दोस्तों, अब इस प्रोग्राम में एक नजर भी देखते हैं कि क्या कुछ खास रहा इतिहास में आज के दिन। आज है 25 फरवरी और आज लेट्स ऑल ईट राइट डे, ये दिन है। ये दिन प्रसिद्ध पोषणविद, लेखिका और 1900 के दशक में पोषण आंदोलन में बदलाव लाने वाली एडिल डेविस के जन्मदिन के रूप में मनाया जाता है। आपको यहाँ ये भी बता दें कि ये दिन हमें ये सुनिश्चित करने का अवसर प्रदान करता है कि हम अच्छा और स्वस्थ भोजन खा रहे हैं या फिर नहीं। इसी के साथ बढ़ते हैं आगे और देखते हैं कि इसके अलावा क्या है आज खास। तो आपको बता दें कि 25 फरवरी वर्ष 1988 में सतह से सतह पर मार्ग करने वाली भारत की पहली मिसाइल पृथ्वी का सफल प्रक्षेपण किया गया था। इस परीक्षण के बाद भारतीय रक्षा प्रणाली के विकास क्रम में एक नया अध्याय जुड़ गया था। यह मिसाइल 1000 किलोग्राम बारूद को लेकर 150 से 200 किलोमीटर तक मार्ग करने की क्षमता रखती है। श्रीहरिकोटा से इस मिसाइल को लॉन्च किया गया था। इस मिसाइल का परीक्षण रक्षा वैज्ञानिक और पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम की देखरेख में हुआ। परीक्षण के बाद परमाणु संपन्न 7 देशों ने भारत को मिसाइल तकनीकी हस्तांतरण पर रोक लगा दी थी, लेकिन ऐसे कदमों से भारत दबाव में नहीं आया और अंततः उन सभी तकनीकों ने आत्मनिर्भरता हासिल की जिनको प्रतिबंधित किया गया था। इसी के साथ बढ़ते हैं, देखते हैं कि आज के दिन क्या खास रहा। तो आपको यहाँ ये भी बता दें कि 25 फरवरी वर्ष 2019 में माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने दिल्ली में इंडिया गेट के निकट बने मार्ग को राष्ट्र को समर्पित किया था। ये मार्ग है राष्ट्रीय युद्ध स्मारक मार्ग। ये स्मारक सशस्त्र बलों के शौर्य, बल और त्याग का प्रतीक है। इसकी प्रेरणा चक्रव्यूह की संरचना से ली गई थी। तो दोस्तों, ये ऐसी घटनाएं हैं जो आज के दिन हुई और अब एक नजर में देखते हैं कि आज किनका है बर्थडे। वर्ष 1974 में बहुत ही खूबसूरत फिल्म अभिनेत्री दिव्या भारती का जन्म हुआ आज ही के दिन। और वर्ष 1981 में बॉलीवुड अभिनेता और मॉडल शाहिद कपूर का जन्म हुआ आज ही के दिन। तो आपको करते हैं प्रोग्राम के माध्यम से हैप्पी बर्थडे। प्रोग्राम सुन रहे हैं आप गुड मॉर्निंग बनारस, इस प्रोग्राम में मैं हूँ आपके साथ आपकी रेडियो दोस्त ललिता। प्रोग्राम सुन रहे हैं आप आपकी वाणी आकाशवाणी से।
दोस्तों, अब इस प्रोग्राम में आगे बढ़ते हैं और देख लेते हैं क्या है हमारे शहर बनारस का हालचाल। वाराणसी के पांडेपुर स्थित दीनदयाल उपाध्याय चिकित्सालय के पास मेडिकल कॉलेज बनाया जाएगा। इसके लिए शासन से मंजूरी मिल चुकी है। केंद्र सरकार की ओर से लगातार स्वास्थ्य सुविधाओं को बढ़ावा देने के लिए कार्य किए जा रहे हैं। इसी कड़ी में वाराणसी के पांडेपुर में एक मेडिकल कॉलेज बनाने का फैसला भी लिया गया है, ताकि अधिक से अधिक छात्र छात्राओं को मेडिकल की पढ़ाई करने में सुविधा मिल सके। इसके साथ ही साथ मरीजों को मेडिकल की उच्च स्तरीय इलाज की सुविधा भी प्रदान हो सके। लगभग 400 करोड़ के लागत से ये मेडिकल कॉलेज बनाया जाएगा। इसी के साथ बढ़ते हैं अपनी अगली खबर की तरफ। स्मार्ट सिटी की ओर से 5.6 करोड़ की लागत से 6 गंगा घाटों पर फ्लोटिंग जेटी का निर्माण कराया गया है। इन घाटों में शामिल हैं 80 घाट, शिवाला घाट, केदार घाट, राजेंद्र प्रसाद घाट, पंचगंगा घाट और राजघाट पर इसका निर्माण कराया गया है। प्रत्येक जेटी पर 20 चेंजिंग रूम और प्रत्येक चेंजिंग रूम में हैंगर और बेंच बनाए गए हैं। इससे श्रद्धालुओं को बहुत ही सुविधा होगी। तो वाकई ये बन जाने से श्रद्धालुओं को बहुत ही सुविधा होगी। इसके पहले जब ऐसी सुविधाएं नहीं थी तो जो भी श्रद्धालु ऐसे होते थे, जब गंगा में नहाते तो थे पर कपड़े ना बदल पाने की वजह से उन्हें परेशानी होती थी, तो अब ये बहुत आसान हो गया है। इसी के साथ बढ़ते हैं अपनी अगली खबर की तरफ। बीएचयू के पूर्व रेक्टर और चिकित्सा विज्ञान संस्थान के पूर्व निदेशक प्रोफेसर विजय प्रताप सिंह को लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड मिला है। उन्हीं के अवार्ड एसोसिएशन फिजिशियन ऑफ इंडिया की ओर से दिल्ली में आयोजित कॉन्फ्रेंस में दिया गया। डॉक्टर विजय प्रताप सिंह बीएचयू के चिकित्सा विज्ञान संस्थान के पहले बैच के विद्यार्थी रहे हैं। इसी के साथ बढ़ते हैं अपनी अगली खबर की तरफ। सिर गोवर्धनपुर स्थित रविदास के दरबार में हाजिरी लगाने के लिए कल यानी शनिवार को अनुयायियों का रेला झूम कर निकला। भजन कीर्तन करती संगतें निकली तो सड़क पर जैसे मेले ही लग गए। संत रविदास के सपनों के गांव बेगमपुरा की कठौती में आस्था की गंगा उतर आई। माघी पूर्णिमा पर, संत की जयंती पर सिर गोवर्धनपुर में श्रद्धालुओं का ऐसा रेला लगा कि पैदल चलने तक की जगह ही नहीं बची। तो दोस्तों, ये थी आज हमारे शहर बनारस से जुड़ी हुई खबरें। जिस तरह से बाहरी दुनिया में सुख सुविधाएं पैदा करने के लिए एक तकनीक है, उसी तरह अपने भीतर सुख और आनंद पैदा करने के लिए भी एक विज्ञान और तकनीक है। सच, इस जिंदगी में हम चाहे जो भी बन जाएं, पर जब तक अपनों का साथ और अपनों का प्यार ना हो तो वो मिली हुई जो उन्नति है, वो प्रगति है, वो भी किसी काम की नहीं होती। आप सुन रहे हैं प्रोग्राम गुड मॉर्निंग बनारस, आपकी वाणी आकाशवाणी से। दोस्तों, देखते ही देखते प्रोग्राम में वक्त हो चला है इस प्रोग्राम से अलविदा लेने का। प्रकृति है हमारी संरक्षण और हमें इसकी जिम्मेदारी बखूबी निभानी है। पृथ्वी और पर्यावरण की रक्षा करना किसी एक इंसान की जिम्मेदारी नहीं है, ये हम सब की जिम्मेदारी है। प्रकृति और पर्यावरण के संरक्षण की दिशा में आप सब भी अपना अपना पूरा पूरा योगदान दीजिए, क्योंकि प्रकृति सुरक्षित तो हम सुरक्षित। और दोस्तों, अब आज के लिए यहीं तक। तो हमेशा खुश रहिए, स्वस्थ रहिए और मुस्कुराते रहिए, क्योंकि वो कहते हैं ना कि ये जिंदगी भी तो आईने की तरह है, ये तभी मुस्कुराएगी जब आप मुस्कुराएंगे। तो आज के लिए यहीं तक। वापस मिलूंगी आपसे सुबह 8:45 पर मधुरिमा के साथ। तब तक के लिए बाय। और छोड़े जा रहे हैं आपको इस गीत के साथ। प्रोग्राम के बाद आप सुनेंगे समाचारों का सिलसिला जारी रहेगा। सुनते रहिए आपकी वाणी आकाशवाणी। गुड मॉर्निंग।